हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूँ संदीप गांगुली और ये मेरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का 13th नंबर का वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि आप कैसे HTML जब हम टेबल बनाते हैं उसमें हमको डेटा कैसे एंटर करना है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको टेबल बनाना बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और तो चलिए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस कोड का आउटपुट जो था वो ये था। ये हमारी टेबल थी और ये टेबल बनाने के लिए मैंने टेबल टैग का यूज़ किया। उसमें कुछ ये आप एट्रीब्यूट्स लिखे और उस तरीके से मैंने टेबल एक रो बनाई। उस रो के अंदर मैंने कुछ हेडर्स लिखे और हेडर्स का हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई कॉलम नेम देना चाहते हैं। जैसे अगर आप नई नई टेबल बना रहे हैं तो उसका जो पहला रो होगा, रो का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल पे रो, और जब हम कॉलम की बात करें तब वो वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये एक सिर्फ सिंगल रो है। तो जब हम किसी कॉलम का नाम देते हैं तो हमेशा टेबल हेडर्स का यूज़ करते हैं। और जो टेबल हेडर्स में आप जो भी मतलब टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने नेम लिखा है तो वो बोल्ड में बन के आता है। और जब हम डेटा एंटर करना होता है किसी आपको कॉलम में, तो हम TD टैग का यूज़ करते हैं, जैसे टेबल डेटा कहते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग टेबल को डेटा एंटर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और टैग के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे कैप्शन कहा जाता है। कैप्शन का जो यूज़ किया जाता है वो हमारा ये टेबल को हेडिंग देने के लिए किया जाता है। तो मैं इसको लिखने के लिए आपको कैप्शन लिखना है, कैप्शन, और उसके बाद आपको जो भी इस टेबल को हेडिंग देना है, जैसे मैंने दे दिया इन्फॉर्मेशन, मैंने दे दिया नाम, दे दिया इन्फॉर्मेशन, और फिर मैंने इसको सेव कर लिया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये टेक्स्ट एडिटर में कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं तो उसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा, फिर ब्राउज़र पर जाइएगा, फिर रिफ्रेश करिएगा। तो ये देखिए टेबल का जो है आगे कैप्शन। तो ये कैप्शन जो है आपका टेबल में हेडिंग देने का काम करता है, बस और कुछ नहीं। तो अब हम शुरुआत करते हैं डेटा एंट्री के लिए। तो हमारा पहला रो जो था उसमें हमने टेबल में जो कॉलम यूज है उनका जो नाम था वो हम लोगों ने लिखा था। अब हमें डेटा एंटर करना है, तो सेम वही प्रोसीजर है। जब आपको डेटा भी एंटर करना होगा तो आपको एक नई रो बनानी पड़ेगी, और जब आप रो बनाएंगे तो उसमें आपको TR लिखना है, TR, क्योंकि TR जो होता है टेबल रो बनाता है। उसके बाद जितने आपके ये कॉलम हैं ठीक उतने ही आपको TD लिखने हैं और उसमें आपको डेटा एंटर करना है। तो सबसे पहले TD में जो हमारा नाम रहेगा, मैंने इसका नाम रख दिया संदीप, और उसके बाद दूसरा हमको फिर लिखना है, दूसरे में हमको एज डालना है क्योंकि हमारे यहाँ पर दूसरा जो कॉलम है वो एज का है, तो मैंने यहाँ एज रख दिया 23। और फिर मैंने तीसरा कॉलम बनाया जिसमें मुझे वो सिटी लिखनी है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो मैंने ये सिटी लिख दी, लखनऊ मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारी जो है ये सबसे पहली रो बन गई जिसमें हमने डेटा इनपुट किया है। पहला जो हमारा रो था वो हमारा कॉलम नेम बता रहा था, दूसरा जो हमारा रो है वो कौन सा डेटा इनपुट किया है वो है। तो अब मैं इसको आउटपुट में देखता हूँ क्या है। तो ये देखिए इसका आउटपुट आ गया, और ये भी अब डिफरेंस देख लीजिए कि जब हमने TH लिखा था, टेबल हेड लिखा था, तब हमने यहाँ पे ये बोल्ड में आ रहा, जब इसमें हम TD लिख रहे तो ये बोल्ड में नहीं है। अब दूसरी एक और चीज़ है, वो है एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा टेबल टैग में ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, बॉर्डर अलाइन है, सेम उसी प्रकार आपका जो ये TR टैग में भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। इसको लिखने के लिए आपको BG लिखना, फिर कलर लिखना, कलर की स्पेलिंग COLUR नहीं, आपको COLOR लिखनी है, इक्वल टू डबल कॉमा ऊपर लगाना है, उसके अंदर वो कलर लिखना है जो आप जो है आप इस रो पर, जिस भी रो पर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं संदीप वाले रो पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके पीछे कलर चाहता हूँ पिंक हो जाए, या पिंक और रेड सही रहेगा, कुछ भी ले लेते हैं, पिंक रेड ग्रीन कोई भी। मैं इसका चलिए BG कलर में येल्लो दे देता हूँ। तो ये जो है हो गया, देखिए येल्लो हो गया। तो इस तरीके से आप हर रो को अलग अलग कलर दे सकते हैं। और आप ये BG कलर में जो मैंने आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज बताई थी कलर की जो होती है उनको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रे कलर है तो हैश लगाइए 8080080, और ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज है अलग अलग कलर की आपको इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चल जाएगा। आप वहां से ये कलर कोड, जिसे कलर कोड कहा जाता है, इसको आप ला के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए हमारा कलर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है मुझे आपको बतानी है वो है TD टैग के लिए जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में बताना। तो TD टैग में आप दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं आपका कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो कॉल स्पैन क्या करता है सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास तीन कॉलम है ठीक है, इस रो में, दूसरी वाली रो में जिस पर डेटा मैंने एंटर किया, मैं इसका जो कलर बदल देता हूँ वरना इससे दिक्कत होगी आपको, मैंने इसका कलर येलो कर दिया। फिर तो ये जो हमारे पास रो है,
इस रो में मान लीजिए मैं केवल अपना नाम डालता और अगर ये एज और सिटी एंटर नहीं करता तो क्या होता। तो पहले वो देखते कि होता क्या, तो हमने फिर एक नई रो बनाई और उस रो में से मैंने ये दो हटा दिए, एज और सिटी हटा दी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम वही रहने देते और हम रिफ्रेश करते। तो आप देखिए इसमें संदीप लिख क्या रहा है, लेकिन ये इस तरीके से खाली रह रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा खाली ना हो कि जो रो है ये भी खिंच जाए पूरा यहाँ तक सिटी तक, ये जो मतलब कॉलम, ये जो नेम वाला कॉलम है पूरा आ जाए। तो इसको कहते हैं कॉल स्पैन। इसके लिए आपको कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करना। वो कैसे करना है, टीडी में जाइए, कॉल स्पैन लिखिए, इक्वल टू लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, उसके अंदर उतने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखिए जिसको आप स्पैन करना चाहते हैं, और इसमें अपने आप को भी ऐड करना। मतलब हम यहाँ पे दो कॉलम तक जाना चाहते हैं, और यहाँ जो हमारा अपना इनिशियल कॉलम है वन है, तो आपको अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो आपको तीन कॉलम तक करना है स्पैन। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया, उसके बाद मैंने किया रिफ्रेश, और ये देखिए आप आ गया। अब नेक्स्ट मैं आपको रो स्पैन के बारे में बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होता है। इसके लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और दो बार इसको मैंने पेस्ट कर लिया, दो बार दो कॉपी बना लिया। मैं इसको जरा रिफ्रेश कर देता हूँ, पहले सेव करना है और फिर रिफ्रेश, ये आ गया। अब रो स्पैन में क्या होता है कि जैसे संदीप है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये लास्ट वाला रो है, इसमें मैं क्या करता, संदीप जो नेम कॉलम था उसकी वैल्यू हटा देता, सिर्फ मैं एज और सिटी देता, और मैं चाहता कि जो ऊपर वाला रो है, ये जो कॉलम है, रो नहीं कहेंगे इसे कॉलम कहेंगे, ये नीचे खिसक आए। मतलब ऊपर वाली जो ये रो है इसका जो कॉलम है जिसमें मैंने संदीप लिखा है, वो नीचे के मतलब रो के कॉलम में आ जाए, तो उसमें हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम एक रो से दूसरे रो में जाना चाहते हैं तो हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं, और जब हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मतलब जाना चाहते हैं तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो हम नाम को हटा देते हैं, और हम ये भी नाम को मैंने हटा दिया, अब ऐसा हो गया। अब हमको ये देखना है कि हमको कौन से रो के कॉलम को स्पैन करना, तो हमको ये संदीप वाले को करना, और ये कौन सा रो है, नीचे से दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा रो नीचे से दूसरे रो पर, तो हमको उसी के कोड में जाना पड़ेगा। यहाँ है इसका कोड, उसमें हमने लिखा रो स्पैन, और यहाँ पे जो है वो वैल्यू लिखेंगे जो हम जितना, तो हम दो कॉलम करना चाहते हैं, दो रो करना चाहते हैं, और दो रो क्यों, क्योंकि ये अपने आप को भी लेगा और दूसरे को भी लेगा। रिफ्रेश करते हैं, आप देखिए ये ऊपर से नीचे आ गया। तो इस प्रकार जो है आप ये रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।